Hello friends, this is our fourth lecture of our topic, which is fundamental rights. We have already covered articles up to article number 22. Now let us move to next article, which is article number 23. Article number 23 and article number 24 forms the right against exploitation. Exploitation ka kya matlab hota hai? Exploitation ka matlab hota hai utpeedan. Utpeedan ka matlab hota hai kisi ko satana. Article number 23 prohibits traffic of human being, forced labor, बिगार, अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल नंबर 23 है वो ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग को फॉरबिड करता है. ट्रैफिकिंग का मतलब होता है खरीदना या बेचना, यानी इंसान की खरीद फरोख्त को आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिट करता है. फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना. और बिगार का क्या मतलब होता है? है किसी से ज़बरदस्ती बिना रिम्यूनरेशन दिए काम करवाना, यानी किसी से को बिना पैसे दिए काम करवाना बिगार कहलाता है. आर्टिकल नंबर 23 बिगार को प्रोहिबिट करता है. अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, और भी किसी दूसरे तरीका का फोर्स्ड लेबर हो उसे आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिट करता है. ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, अभी हमने बात की ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स की, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है. इसमें आती है इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, किसी भी बच्चे या किसी भी महिला की खरीद फरोख्त करना या उसे प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है. सेलिंग, बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, किसी भी पुरुष, महिला या बच्चे की को खरीदना या बेचना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है. देवदासी, वैसे तो इसे आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. साउथ इंडिया में क्या होता था, एक प्रथा थी कि मंदिरों में लड़कियों को सेवा के लिए रखा जाता था, और टाइम के साथ साथ यह देखा गया कि इन लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, इसलिए देवदासी सिस्टम को ख़त्म किया गया और इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत रखा गया. नेक्स्ट पॉइंट है स्लेवरी. स्लेवरी का मतलब होता है किसी को गुलाम बनाकर रखना या किसी से दास्ता करवाना, तो यह भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है. लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 आर प्रोहिबिटेड टू बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, माइंस, हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे. 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, माइंस में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, और हजार्डस एक्टिविटी यानी खतरनाक एक्टिविटीज़ जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर रेलवे में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है. लेकिन बट कैन परफॉर्म हार्मलेस इनोसेंट वर्क, लेकिन उनसे हार्मलेस और इनोसेंट वर्क परफॉर्म करवाए जा सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आर्टिकल नंबर 25 to 28 कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. इसमें देखो चार बातें हैं. एक तो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. कंसाइंस का मतलब क्या होता है? हमारे अंतरात्मा की आवाज़, हमें हमारी कंसाइंस को सुनने का अधिकार प्राप्त है. राइट टू प्रोफेस, हमें हमारा रिलीजन अपने तरीके से प्रोफेस करने का अधिकार है. राइट टू प्रैक्टिस, हमें हमारा रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है. राइट टू प्रोपोगेट, हमें हमारे रिलीजन को प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है. अवेलेबल टू सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स, जो आर्टिकल नंबर 25 है वह ना सिर्फ सिटीजन्स बल्कि नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. हमें हमारे रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल नंबर 26 से. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इन सबको देख लेते हैं. ए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. हमें चैरिटेबल पर रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश और मेंटेन करने का अधिकार प्राप्त है. राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन अ मैटर ऑफ रिलीजन. हमें हमारे रिलीजन के मैटर्स को अपने तरीके से मैनेज करने का अधिकार है. राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. हमें रिलीजन के प्रमोशन के लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन करने का अधिकार प्राप्त है. राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. अभी हमने जिस प्रॉपर्टी की बात की, हमें नियम और कानून के अंतर्गत उसे एडमिनिस्ट्रेट करने का अधिकार प्राप्त है. अब आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26 में क्या अंतर होता है? सबसे पहली बात तो आर्टिकल नंबर 25 जो होता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल होता है, ठीक है, और जो आर्टिकल नंबर 26 होता है वो कलेक्टिव राइट्स होता है. कलेक्टिव राइट्स ऑफ सेक्शन डिनोमिनेशंस, जो 26 है वो सेक्शंस या फिर डिनोमिनेशंस का कलेक्टिव राइट होता है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस. आर्टिकल नंबर 26 सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होते हैं उन्हें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है. क्या कंडीशंस है? पहला,
कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव सिस्टम ऑफ बिलीफ, एक तरह की विचारधारा के लोगों का समूह होना चाहिए। दूसरा है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तीसरा है डिस्टिंक्ट नेम, एक अलग से खुद का नाम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति यदि अपने रिलीजन का प्रमोशन करता है तो उसे टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाई मीन्स ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, पब्लिक मनी शुड बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन्स। यानी जो स्टेट के पास पैसे आते हैं टैक्स के माध्यम से, तो स्टेट उसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं कर सकता है, उसे उस पैसे को सभी रिलीजन्स को एक साथ प्रमोट करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। यानी जो स्टेट है वह पब्लिक की मनी को किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं कर सकता, उसे वह खर्च कर सकता है सभी रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स ओनली लेवाई ऑफ टैक्स नॉट फी, फी कैन बी कलेक्टेड फॉर सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये आर्टिकल है वह रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स पे ना करने के लिए बोलता है। ध्यान रखिएगा टैक्स और फीस में अंतर होता है। अभी भी स्टेट टैक्स कलेक्ट करने का फी कलेक्ट करने का अधिकार रखता है, और फी किस बात के लिए कलेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड। ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट फंड से बना है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 डील्स विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नाउ लेट अस कम टू आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की इंटरेस्ट की रक्षा। एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर हैव राइट टू कंजर्व द सेम। ऐसा कोई भी अल्पसंख्यक समूह जिसकी खुद की लैंग्वेज है, जिसकी खुद की स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, जिसका खुद का कल्चर है, उससे अधिकार है कि वह इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखे। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, ये इन माइनॉरिटीज़ में आते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटीज़ शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने बात की एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, या तो यहाँ पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वह माइनॉरिटी हो। यानी कि यदि मेजॉरिटी ग्रुप है उसका अगर डिस्टिंक्ट कल्चर है, उसे भी वह प्रिजर्व करने का अधिकार रखता है। नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 30 विच इज़ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वह अपने तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको इस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इन ग्रांटिंग एड स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाई माइनॉरिटी। जो स्टेट है जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग करता है, जब उनको फंड ग्रांट करता है, तो वह इस बात को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टूअर्ड्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। जो बच्चे हैं उन्हें उनकी ही भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। माइनॉरिटी वर्ड हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो माइनॉरिटी शब्द है, जो अल्पसंख्यक शब्द है, वह संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं तीन तरह के होते हैं। पहला दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड, दूसरा दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन, तीसरा दैट नाइदर सीक रिकॉग्निशन नॉर एड। तीन तरह के होते हैं। पहला वो होता है जो राज्य से मान्यता प्राप्त करता है और वित्तीय सहायता भी लेता है। दूसरा वह होता है जो सिर्फ मान्यता प्राप्त करता है राज्य से। तीसरा वह होता है जो ना तो मान्यता प्राप्त करता है और ना तो वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। जो हमने पहले और दूसरों की बात की, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन पावर ऑफ स्टेट। फर्स्ट और सेकेंड में स्टेट जो है वह अपनी रेगुलेटरी पावर इस्तेमाल कर सकता है। इस रेगुलेटरी पावर को इस्तेमाल करते हुए स्टेट इस रिलीजियस इस इंस्टीट्यूशन को बोल सकता है, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बोल सकता है कि आप सिलेबस को
प्रिस्क्राइब करवा सकता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करवा सकता है, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को प्रिस्क्राइब करवा सकता है और टीचिंग स्टाफ को अपने तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकता है, यानी इन सब चीज़ों से रिलेटेड नियम और कानून स्टेट बनवा सकता है इन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जो तीसरे तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की, जो ना तो मान्यता प्राप्त करते हैं और ना ही वित्तीय सहायता लेते हैं, दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। वो अपने तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सामान्य नियम और कानून को फॉलो करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 32 विच इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान का सबसे ज़रूरी आर्टिकल है। आर्टिकल 32 इज़ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 32 है वह बेसिक जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा है। आर्टिकल 32 कंटेन्स फोर प्रोविजन। पहला है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाई अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वह अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के थ्रू। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रेट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट ऑफ ऑल काइंड। यदि संसद चाहे देश की तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को इशू को ऑर्डर रिट या डायरेक्शन इशू करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। और चौथा पॉइंट है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाई कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है वह कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन तभी ख़त्म किया जा सकता है जब इसे ख़त्म करने का तरीका संविधान में बताया गया हो। जैसे प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो देश के राष्ट्रपति हैं वह सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं जब देश में आपातकाल लगा हो, जब देश में इमरजेंसी लगी हो। नाउ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बट नॉट द एक्सक्लूसिव। जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है कि वह फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है, वह उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 आल्सो हैव पावर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो देश की हाई कोर्ट्स हैं उनके पास भी यह अधिकार प्राप्त है कि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। When the fundamental rights of a citizen is violated, he can either move to Supreme Court or High Court. यदि किसी व्यक्ति के fundamental rights का violation होता है तो वह या तो Supreme Court जा सकता है या फिर High Court जा सकता है। अब हम बात करेंगे writs की। Supreme Court under Article No. 32 and High Court under Article No. 226 can issue writs. Writs are borrowed from British law where these are called as prerogative writs. जो writs हैं उसे हमने British law से लिया है। ब्रिटिश लॉ में इसे कहा जाता है प्रीरोगेटिव रिट्स। डिफरेंस बिटवीन रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है रिट्स को तभी इशू कर सकते हैं जब फंडामेंटल राइट्स को इशू करवाना हो, जबकि हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बट फॉर एनी अदर पर्पसेस। जबकि जो हाई कोर्ट है वह ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इशू करवाने के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं बल्कि और भी किसी दूसरे पर्पसेस के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। यहाँ पर और भी दूसरे पर्पसेस से मतलब है कि लीगल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए भी हाई कोर्ट जो है वह रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वह भारत की टेरिटरी में कहीं पर भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वह अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही और रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट आउटसाइड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओनली इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट है सिर्फ एक कंडीशन में अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रिट इशू कर सकता है, जब जो कॉज ऑफ एक्शन है वह हाई कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में होने वाला हो। रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। हेंस सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आर्टिकल नंबर 32 के
अंतर्गत जो रेमेडी है वह अपने आप में ही फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह रिट जुरिसडिक्शन करने के अपने एक्सरसाइज को कभी भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। जबकि रिट जुरिसडिक्शन इज़ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ हाई कोर्ट, जबकि जो हाई कोर्ट में क्या होता है कि रिट जुरिसडिक्शन करना उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, इसलिए हाई कोर्ट चाहे तो अपने रिट जुरिसडिक्शन के को एक्सरसाइज करने से रिफ्यूज़ कर सकता है। अब हम बात करते हैं रिट्स की। पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, ये एक लैटिन वर्ड है। ऑर्डर इशूड बाई कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लेटर पर्सन, यानी जो कोर्ट है वो किसी व्यक्ति को ऑर्डर कर सकता है जिसने किसी को अपनी हिरासत में लिया है कि वह जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है वह कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत करे। कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। जो हेबियस कॉर्पस है ये पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है। अब कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हेबियस कॉर्पस को नहीं इशू किया जा सकता है। पहला, व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, यदि किसी व्यक्ति को नियम को फॉलो करके डिटेन किया गया है वहाँ पर इसे इशू नहीं किया जा सकता है। दूसरा, प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, जब प्रोसीडिंग है वह लेजिस्लेचर को कंटेम्प्ट कर रही है या फिर कोर्ट को कंटेम्प्ट कर रही है। तीसरा है डिटेंशन बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट, यदि जो डिटेंशन है किसी कॉम्पिटेंट के कोर्ट के द्वारा किया गया है वहाँ पर भी हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जा सकता है। डिटेंशन इज आउटसाइड जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यदि जो डिटेंशन है वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर है उस केस में भी हेबियस कॉर्पस को नहीं इशू किया जा सकता है। हम बात करते हैं मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड इशूड बाई कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। जो मैंडमस है वह कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ इशू किया जाता है और उससे बोला जाता है कि भाई तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। ऐसा तब होता है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल या तो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करता है या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देता है। मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, मैंडमस किसके खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ मैंडमस नहीं इशू किया जा सकता है। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को इन्फोर्स करने के लिए मैंडमस नहीं इशू किया जा सकता है। जब ड्यूटी जो है वो डिस्क्रिशनरी हो तब भी मैंडमस नहीं इशू किया जा सकता है। जो मैंडमस है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता है। मैंडमस जो है वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि एक्टिंग है अभी उसके खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता है। हम बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड यानी रोकना। इशूड बाई हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सेडिंग इट्स जुरिसडिक्शन, जब किसी हायर कोर्ट को लगता है कि उसके नीचे का कोर्ट है वह अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है तब वह जो हायर कोर्ट है वह प्रोहिबिशन इशू करता है। इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़, जो प्रोहिबिशन है वह सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही इशू किया जा सकता है। यह किसके खिलाफ अवेलेबल नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ अवेलेबल नहीं है, यह लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के खिलाफ अवेलेबल नहीं है, यह प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं सर्शियोरारी, ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। इशूड बाई हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट इन टू केसेस, ये जो सर्शियोरारी है ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के लिए इशू किया जाता है। कब? जब टू ट्रांसफ़र अ पेंडिंग केस, किसी पेंडिंग केस को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, यानी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलेगा कि देखो भाई जो तुम्हारा पेंडिंग केस है वो तुम हमारे हमको ट्रांसफ़र करो। टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर, यानी कि हायर कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट का जो फैसला है किसी डिसीजन का वो ठीक नहीं है तो वह उसके ऑर्डर को स्क्वैश करने के लिए स्क्वैश कर सकता है सर्शियोरारी इशू करके। इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट, ये सिर्फ जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के खिलाफ इशू किया जा सकता है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ इशू किया जा सकता है, लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी, ये इट इज इशूड बाई कोर्ट टू इंक्वायर इन टू लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस में कुछ क्लेम करता है तो कोर्ट जो है उसकी उस क्लेम की लीगैलिटी को इंक्वायर करने के लिए को वारंटो इशू करती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंशियल पब्लिक ऑफिस और परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यू और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ ऐसे परमानेंट ऑफिसेस
के खिलाफ इशू किया जा सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संसद के किसी नियम के द्वारा बनाए गए हों और उनका कैरेक्टर परमानेंट हो। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ये किसी भी मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ नहीं इशू किए जा सकते हैं। दिस कैन बी सॉट बाई एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरली अग्रीव्ड पर्सन। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ वही सिर्फ इशू करवाए, कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है वो इशू करवा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 33। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस कैन बी कर्टेल्ड और एब्रोगेटेड बाई पार्लियामेंट ओनली। आर्टिकल 33 बोलता है कि जो हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे पुलिस हो गया या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गया, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कर्टेल यानी कम किया जा सकता है या एब्रोगेट यानी ख़त्म किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। आर्टिकल 33 बोलता है एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल फ्रॉम रूट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन होता है उसके अंतर्गत कोर्ट मार्शल नहीं आता है, ऐसा बोलता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स। मार्शल लॉ क्या होता है, जब कोई टेरिटरी डिस्टर्ब होती है किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे वॉर की कंडीशंस हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जो आर्मी होती है वहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालती है अपने नियम और कानून से, उसे कहते हैं मार्शल लॉ। तो जब मार्शल लॉ अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ऐसा आर्टिकल 34 बोलता है। आर्टिकल 35 बोलता है पावर टू मेक लॉस टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 35 बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वह सिर्फ देश की संसद के पास है, किसी भी राज्य की विधानसभा के पास नहीं है। अब फंडामेंटल राइट्स के कुछ क्रिटिसिज्म हैं, जैसे एक्सेसिव लिमिटेशन। अभी हमने इतने सारे एक्सेप्शंस की बात की, हर फंडामेंटल राइट्स में इतने सारे लिमिटेशंस हैं, वो तो अच्छी बात है कि आर्टिकल 17 के का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए ये बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, हमारे पास जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह का सोशल और इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तीसरा पॉइंट है नो क्लैरिटी। सही बात है, जैसे पब्लिक ऑर्डर का क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाए, माइनॉरिटीज़ डिफाइन नहीं किया गया है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसे अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए क्लैरिटी नहीं है। नो परमानेंसी, परमानेंट नहीं है, कभी भी रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, कभी भी एब्रोगेट किए जा सकते हैं। सस्पेंशन ड्यूरिंग एमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20, जब भी एमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल नंबर 20, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें आर्टिकल नंबर 20 और 21 से मिलते हैं, इसके अलावा सभी फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, ये जो कि बहुत बड़ी कमी है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। एक्सपेंसिव रिमेडी, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपना फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इसका खर्चा अच्छा खासा लग जाता है, इसलिए ये काफ़ी महंगा है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मेंशन किया गया है हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, ये हमारे स्टेट को आर्बिट्ररी मनमानी शक्तियाँ देता है किसी की भी इंडिविजुअल लिबर्टी के खिलाफ, ठीक है, इट डील्स मोर विद द राइट्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला लॉ है वह डील्स मोर विद द राइट्स ऑफ स्टेट, ये स्टेट को ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है बजाय कि किसी इंडिविजुअल को। नो कॉन्स्टेंट फिलोसॉफी, किसी भी तरह की कॉन्स्टेंट फिलोसॉफी नहीं फॉलो की गई है। अब पार्ट थ्री जो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल में 265 है वो ये बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक, अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेवाई किया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल में 300 है जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आर्टिकल में 300 ए में है, और आर्टिकल 301 बोलता है राइट टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये पार्ट थ्री के बाहर के राइट्स हैं। ये आर्टिकल में 326 राइट टू वोट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये सारे राइट्स हैं इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स नहीं कह सकते, ये सारे के सारे लीगल राइट्स हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।